हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज अभी हम लोग इस समय हैं लिफ्ट में और जा रहे हैं घूमने के लिए चंद्रिका देवी मंदिर। और ये व्लॉग है नेक्स्ट टू ट्राई नॉट टू गेट फीलिंग्स चैलेंज। तो कार में मिलके मैं आपसे बात करती हूँ। सब लोग आ चुके हैं कार में और कार अभी चली नहीं है, हम लोग कुछ और लोगों का वेट कर रहे हैं। एंड इसके बाद हम लोग जाएंगे एंड जैसे मंदिर पहुँचेंगे मैं दिखाऊँगी आपको वहाँ की चंद्रिका देवी। और जैसे ही हम अब जब वो लोग आ जाएंगे तब हम लोग कार में बैठ के जाएंगे। तब तक के लिए बाय। तो हम लोग यहीं पे चंद्रिका देवी पहुंच चुके हैं और यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, वही सामान, चीज़ें, लॉकेट, चूड़ियाँ, वही सब चीज़ों के स्टॉल देखे वहाँ देख रहे हैं। और अब अभी तो बाहर ही है, मंदिर में पहुँच के दिखाएंगे आपको। सो फ्रेंड्स, वो रहा सामने मंदिर, देख सकते हैं माँ चंद्रिका देवी दरबार लिखा हुआ है इस पे। एंड अब लोग हम लोग यहाँ चप्पल उतारेंगे एंड अंदर जाएंगे। सामने आता जा रहा है माता रानी का, हम लोग आए थे बहुत दूर का वो मूर्ति घूम घूम के आदमी सब आई थिंक इससे आगे जाने नहीं देंगे। यहाँ से जाना है, उधर से जाना है, उधर से लाइन में चले जा रहे हैं हम लोग। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले भी बने हैं पर डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है। ये रहा माता रानी का दरबार और यहाँ पे फोटो शूट नहीं करने दे रहे हैं, इसलिए अब वीडियो मैं इतना ही दिखा सकती हूँ, आपको इससे आगे नहीं दिखा सकती हूँ। उधर से माता रानी के दर्शन करके हम लोग इधर जा रहे हैं, वहाँ पे वो लोग फ़ोटो नहीं खींचने दे रहे हैं एंड कैमरा भी लगा हुआ है, इससे फ़ोटो खींचेंगे तो हम लोग पे फाइन भी लग सकता है। एंड यहाँ देख सकते हो कितनी सारी चुनरी, कितने सारे घंटे लगे हुए हैं, देख सकते हैं इतनी चुनरी। और यहाँ पे भी कितनी चुनरियाँ और घंटे, देख सकते हैं कितनी सारी चुनरियाँ। प्रसाद तो अभी लोग चढ़ाने नहीं दे रहे हैं, देख सकते हैं उधर साइड पे थोड़ी सी माता रानी की मूर्तियाँ लगी हुई है। एंड इधर से एग्जिट है आई थिंक। एंड इधर से हम लोग नीचे चलते जा रहे हैं। इस जगह पर हवन जल रहा है, यहाँ से सब राख लेके अपने मत्थे पे लगाते हैं। मैं हूँ अभी मंदिर में और अभी हवन किया है, आँख में धुआं लगा है, आंसू आ रहे हैं। एंड अब लोग बाहर जा रहे हैं, फिर से बहुत सारे स्टॉल्स हैं, बस पैसे ही पैसे। ये है चंद्रिका देवी का तीर्थ कुंड और इसमें हम लोग एक बार पहले भी आ चुके हैं, उसमें नहाए थे। और वो देखिए वो वहाँ कितने बड़े शंकर जी की मूर्ति है और वहाँ एक ब्रिज बना हुआ है। एंड यही है तीर्थ कुंड, वो बहुत पीछे तक गया है, देखिए इसमें नहाते भी हैं कुछ लोग, पर अभी तो ठंडी है तो अभी कोई नहीं नहा रहा है।
और यही है तीर्थपुर। मैं आपको दिखा रही हूँ नीचे उतर कर और वहाँ जाले लग रहे हैं क्योंकि उससे आगे बहुत गहरा है और यहाँ कुछ लोग पवित्र भी कर रहे हैं इस वाले स्टैचू को। और इधर से हम ब्रिज से जाके देख भी सकते हैं वही बड़े वाले भोलेनाथ। यहाँ भी यहाँ हम आ चुके हैं, मुझे डर लग रहा है मोबाइल ना गिर जाए। यहाँ देखिए कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, यहाँ पूरा आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा सुंदर है। आगे तक वहाँ लोग गए वही बड़े वाले भोलेनाथ, लेकिन यार ये मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। देखिए कितने बड़े हैं, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बड़े। आप लोग जाइए यहाँ है नाग, कितने बड़े नाग हैं, ये असली का सांप है। मुझे तो डर लग रहा है। ओ मेरे नाग देवता, मेरे पापा के गले में जय बाबा भोलेनाथ। और जो डर लग रहा है वो नहीं, कैसे फन फैला रहा है। ओ माय गॉड, काटेंगे नहीं, मैं जानती हूँ। हो गया, तो सबके बाबा हैं ये, यानी भैया जहाँ मानो तहाँ भगवान। और मैं हर जगह ये कितने डरावने लग रहे हैं। हाथ लगा दो, आज एक सौखी दे जाओ आज। हमारी की नाय, हमारी की नाय, देवता सबको कैसे रेंग रहे, सबका उद्धार करो, सबको कल्याण करो। जी नाग, जी मेरी नागी, भूले बिसरे हर नाग। बीन से क्या होगा, मैं आना ही बहुत समय बाद हुआ है मेरा। हाँ काफी दिन के बाद आए। बीन हम लोग निकल रहे हैं मंदिर से बाहर और फिर से स्टॉल्स ही स्टॉल्स। अब मैं आपसे गाड़ी पे मिलती हूँ क्योंकि अभी हम लोग स्टॉल से कुछ शॉपिंग भी करने वाले हैं। वैष्णो देवी से निकलने के बाद हम लोग आए हैं एक रेस्टोरेंट या ढाबा कह लो, उस पर खाना खाने के लिए। एंड खाना खाने के बाद फिर सीधा घर जाएंगे। तो हम लोग आ चुके हैं ढाबा में, बैठ चुके हैं। ये है क्यूट बच्चा, आना जा रहा था और टेबल पे भी बैठ चुके हैं। हम लोग का खाना थोड़ी देर में आने वाला है और हम लोग खा के फिर सीधा, बताया था मैंने आपको, जा रहे हैं लखनऊ वापस। जी हमने खाना खा लिया है और अब खाना खाने के बाद, पेट भरने के बाद वापस घर, वापस हमारा प्यारा घर वापस जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं आ चुकी हूँ घर पर। अब हम लोगों ने खाना वाना तो खा ही लिया था तो हमें कुछ खाने की तो ज़रूरत नहीं है। तो अब हम जाके सोएंगे बिकॉज बहुत ज़्यादा रात हो गई है। एंड ये व्लॉग कल आ जाएगा शायद, क्योंकि एडिटिंग भी करनी है। एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे। और आपको अगर हमारे घूमने वाला व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने यारों को शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और कुछ नहीं, कमेंट भी कर दो कैसा लगा। ओके बाय।